जय श्री राम। कैसन है भाई लोग? सब ठीक है? सब बढ़िया है? सब भालू है? तो मान लेते हैं कि आपका उम्र अभी है 57 वर्ष। ठीक है, आपको उम्र अभी 57 वर्ष है और अभी आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसा लगेगा आपको? मतलब 57 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी यानी सरकारी टीचर बन जाइएगा आप, तो आपको कैसा लगेगा हमको ज़रा बताइए, अच्छा लगेगा ना? ऐसा ही हुआ, हमारे एक महापुरुष है, पुरुष है, केदारेश्वर जी। हाँ, केदारेश्वर जी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसका जो है 24 साल पहले यानी 1998 में, 1998 में ही जो वो टीचर का परीक्षा जो है वो पास कर लिए थे। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश, यानी कि जानवे का सरकारी काम में तो पता ही है ना, ऐसे थोड़ी होता है काम, तो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी के कारण जो है उसका काम रुक गया। तो रुकता तो अभी 1-2 साल के लिए रुकना रुकता या तो उसका जांच पड़ताल होता, लेकिन वो 24 साल डिले हो गया। ठीक है, तो 24 साल बाद उसको जो है सरकारी नौकरी अभी हाल ही में मतलब मिला है। ठीक है, टीचर मिला है। हाँ, तो उसका नाम है केदारेश्वर। तो अगर मान लीजिए, तो हमको लगता है ये भी जो अग्निवीर ही है ना, अग्निवीर ही हुआ ना ये, क्या कि फौजी सब भी जो है 17-18 साल में वो चयनित होगा, चयन होके जाएगा और वो 22 साल में मतलब रिटायर होगा, 4 साल मतलब है ना, 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, ले लेगा अपना। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा यही है कि इसमें 57 साल में गया है और 58 साल में, 57 या 58 है शायद, हाँ 57 है। और ये जो है मतलब टीचर का कितना है रिटायरमेंट का डेट, 60 था तो 62 हुआ अभी, यानी कि 57 और 5 62, यानी कि 5 साल ही है ये भी, 5 साल ही नौकरी करेंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो ये भी अग्निवीर है, तो भाई टीचर लोग भी अब अग्निवीर कहलाएंगे, अग्निवीर है ना, तो फौजी लोग तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे अग्नि अग्निवीर, टीचर लोग भी, टीचर भी किसी से कम नहीं है, अग्निवीर है, टीचर भी अग्निवीर है। तो अग्नि